Hey guys, welcome back. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, मेरा नाम है रीना और आज की वीडियो में मैं अगेन आपके साथ में एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि आता है डव ब्रांड की तरफ से और ये है इनका डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने परचेज किया था मेरे पास के लोकल स्टोर से कुछ टाइम पहले जब मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो पोस्ट किया था डव के शैम्पू का, तो उस टाइम पे मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी आपके साथ में शेयर करूं। तो फाइनली जो है बंदी आपके सामने हाजिर है। तो गाइज डव एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत पुराना ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट्स यू नो मार्केटिंग के थ्रू बात करो या किसी भी चीज के थ्रू बात करो बहुत ज्यादा यू नो डिमांड में होते हैं। लोग हमेशा इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं हेयर्स के अलावा बॉडी की, तो डव एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम यू नो माइंड में आते ही कुछ फेदर काइंड ऑफ टच वाली फीलिंग जो है वो आपको यू नो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है कि जैसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होगी। मैंने डव का ना कुछ टाइम पहले एक एड देखा था जिसमें कुछ टाइम पहले क्या मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ उस एड को और मैंने डव के सोप भी यूज किए हैं सिर्फ उसी एक रीजन की वजह से कि ये जो डव जो ये ब्रांड है इसके अंदर सोप यूज नहीं किया गया है। ये यू नो आपके स्किन के ऊपर नरिशमेंट को जो है वो मेंटेन रखता है, यानी जो एक नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करके रखता है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देता है, आपकी स्किन यू नो बेबी सॉफ्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही मेरे भी माइंड में ही था, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है परचेज करना है एंड देन इसको यूज करना है और फिर जो मेरा रिव्यू है जो एक ऑनेस्ट रिव्यू है ऑफकोर्स मैं वो आपके साथ में आज शेयर करूंगी। तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की ड्रॉप काइंड ऑफ शेप में इसकी पैकिंग है। ये प्लास्टिक की बॉटल है व्हाइट एंड ब्लू कलर की। ये जो बॉटल है ये खुलती है फ्लिप के साथ में, जो कि अगेन बहुत टफ है, जब आप उसे खोलते हैं तो काफी प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फ्लिप दी हुई है, ये फ्लिप की तरीके से यहाँ से ओपन हो जाती है। जब आप इसे बंद करते हैं ना तो इस तरीके का साउंड आता है आपको। तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है अंदर, और जब अगर आप इसे कभी बैग में कैरी करते हैं या ट्रैवलिंग के टाइम पे कैरी करते हैं तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी मिसअप नहीं होगा, यानी आपके बैग में इधर उधर नहीं निकलने वाला है, अच्छे से लीक प्रूफ है इनकी ये वाली बॉटल। तो इसका ये वाला फीचर इसको ट्रेवल फ्रेंडली भी बनाता है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी की। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरे हाथ के साइज की ये बॉटल है। इसकी जो टोटल क्वांटिटी है दैट इज 190 ml, और अभी इसका जो अपडेटेड प्राइस है लाइक पहले 160 था इसका प्राइस, लेकिन अभी इसका प्राइस जो है 115 rupees कर दिया गया है। जब मैंने इस बॉटल को परचेज किया था तो इसके साथ में मुझे डव का एक लूफा भी मिला था जो हम बॉडी वॉश के लिए यूज करते हैं। तो क्योंकि मैं ये वाला प्रोडक्ट जो है एक दो महीने से यूज कर रही हूँ तो उसकी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी जिसको मैं शो नहीं कर सकती हूँ कैमरे में, इसके साथ में मुझे वो लूफा बिल्कुल फ्री मिला था। तो गाइज ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है 3 years की, यानी आप अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया ये जैसे हम डव की बात करते हैं तो माइंड में हमारे एक चीज आ जाती है कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वाली फीलिंग। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा माइल्ड एंड ऑसम है, लाइक जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था यू नो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स के साथ में मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था, और जब मैंने इसे अपने हाथ पे लिया तो मैं आपको उसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ इसको, क्योंकि मैंने काफी यूज किया ये प्रोडक्ट। तो ये देखिए ये इस तरीके का ना व्हाइट कलर का प्रोडक्ट है, काफी ना क्रीमी और थिक कंसिस्टेंसी के साथ में आता है, लेकिन जब आप इसे अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं लाइक इसे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपको पहले अपनी बॉडी को वेट करना है, वेट करने के बाद इसको थोड़ा सा यू नो लूफा के ऊपर ले लीजिए या अपने हाथ के ऊपर ले लीजिए, और जैसे हम क्रीम या कोई यू नो बॉडी वॉश अपने हाथों पर अच्छे से ऐसे लेके फिर लगाते हैं ना अपनी बॉडी पे, तो उस तरीके से आपको इसे जो है अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी में आपको मिलेगा, आपको लगेगा जैसे आप कोई मॉइस्चराइजर या कोई क्रीम लगा रहे हो। जब आप इसे अच्छे से यू नो ब्लेंड करोगे तो ये इस तरीके से थिक होता जाएगा और थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर हो जाएगा इसका, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये अच्छे से आपकी बॉडी को वॉश करता है एंड इसके अलावा ये क्लीन भी आपकी बॉडी को करता है। सो गाइज आप जब भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपनी बॉडी को वॉश करने के लिए तो ये जो प्रोडक्ट है ये इतने ज्यादा कामिंग एंड सूदिंग फ्रेग्रेंस के साथ में आता है कि आपकी बॉडी के साथ में आपके माइंड को भी रिफ्रेश करने वाला है।
क्योंकि जब आप इसे बॉडी को वॉश करेंगे ना, एक तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, क्रीमी है और बहुत अच्छे से लेदर भी करता है, और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप कोई बॉडी स्पा ले रहे हो। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करते हैं कि ये डीप एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट प्रोवाइड करता है विद न्यूट्रियम मॉइस्चर। तो जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं कि जब भी आप इसे यूज करेंगे उसके बाद जो है आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड प्लम्प होने वाली है। देन मैंने ना इसके पीछे जब इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करी, यहाँ पीछे की तरफ जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन है, तो उसमें भी सिर्फ मुझे एक आधा ही इंग्रेडिएंट ऐसा लगा जो कि जिसे मैं ये बोलूँ कि हाँ ये कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ में बनाया है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज मुझे इसके अंदर ऐसा लगा कि केमिकल्स का ज्यादा यूज हुआ हुआ है। इसके अंदर ग्लिसरीन भी है जो आपकी बॉडी को अच्छे से जो है मॉइस्चराइज करके रखता है। गाइज, एक सेकेंड के लिए आपको एक प्रोडक्ट का फीडबैक भी देना था, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे चैनल के ऊपर मुझसे पूछा गया था कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है बालों में तो वो क्या यूज करें, और मैंने उन्हें सजेस्ट भी किया था मार्स बाय जीएससी का हेयर ऑयल यूज करें। तो गाइज, ये जो हेयर ऑयल की बॉटल आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल एम्प्टी है। ये मेरी सेकेंड बॉटल थी, अभी मैंने थर्ड बॉटल का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया था, तो फाइनली मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे पास आ चुका है। तो ये इसकी इस तरीके की पैकिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है आपको मिलता है, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी सी पैकिंग, एलिगेंट सी पैकिंग जिसे हम बोलते हैं ना, उस तरीके के साथ में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसके अंदर आपको एक लीफलेट मिलेगी जिसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे हेयर फॉल से रिलेटेड, जितने भी जो कंसर्न होते हैं वो इसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा इसके अंदर टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है जिससे आप फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं मार्स बाय जीएससी से। अब हम बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइज, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर आपको मिलता है, आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से अभी ना सील हो रखी है क्योंकि मैंने इसे खोला नहीं है। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है मैंने इसे काफी टाइम यूज किया है और इसका इनडेप्थ वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है आता है मार्स बाय जीएससी की तरफ से, और ये है इनका हेयर ग्रोथ ऑयल। इसके अंदर 5 नेचुरल ब्लेंड्स ऑफ ऑयल का जो मिक्सचर होता है वो है इसके अंदर, है अनियन ऑयल, भृंगराज ऑयल, टी ट्री ऑयल, ब्राह्मी ऑयल एंड जोजोब ऑयल। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपके बालों में हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि गैप्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इनका ये ऑयल प्लस शैम्पू दोनों यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसे चेक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं जो डिटेल वीडियो मेरा इसका मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, आपको रिजल्ट मिलेगा इस प्रोडक्ट का। अगर मैं बात करूँ इसकी एमआरपी की, तो दैट इज 799 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 200 ml बॉटल। इसकी जो ये क्वांटिटी है आराम से जाती है 3-3.5 months तक आराम से चलती है। जैसे अभी विंटर का टाइम है तो आप इसे एक बाउल में ले सकते हैं, हल्का सा उसे वार्म कीजिए और अपनी स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए, और वीक में जो है आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे इसको ट्राई करना है अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, सच में वंडर वर्क करता है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो इस ऑयल को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स की। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉस की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसकी पैकिंग जो है ये लीक प्रूफ है, तो इसका ये फीचर इसे ट्रेवल फ्रेंडली भी बनाता है, तो आपको कभी भी कोई सोप कैरी करने की साथ में जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो अपने साथ में। दूसरा पॉइंट, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा माइल्ड है, हालांकि इसके अंदर परफ्यूम ऐड किया हुआ है फ्रेग्रेंस के लिए, लेकिन माइल्ड इतनी ज्यादा है कि आपको बहुत अच्छा एक बॉडी स्पा वाला फीलिंग आने वाला है जब आप इसे यूज करने वाले हो। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से लेदर करता है आपकी बॉडी को, और सबसे अच्छी चीज बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को जो है ये क्लीन भी करता है। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो गाइज, जब भी मैंने इसे यूज किया मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ड्राई ही फील किया है, लाइक मेरी जो है स्किन ये ऑयली है,
ऑयली स्किन के साथ में आपको ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर यू नो ऑयल को जल्दी प्रोड्यूस होने ना दे। लेकिन मैंने जब भी इसे अपनी बॉडी के ऊपर यूज किया है ना, हालांकि मैंने सोप भी यूज किया है, लेकिन सोप को यूज करने के बाद भी मुझे अपनी स्किन उतनी ज्यादा ड्राई फील नहीं हुई, लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे अपनी स्किन ड्राई फील हुई। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे उतना ज्यादा ड्राइनेस फील नहीं होनी चाहिए थी मेरी बॉडी पर, लेकिन मुझे भी इसे यूज करने के बाद अपनी बॉडी के ऊपर ड्राइनेस फील हुई। तो ये मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगा। मैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि किस टाइप के स्किन टाइप वाले पर्सन जो है इसे यूज कर सकते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस हिसाब से इसका प्राइस पॉइंट है। मार्केट में बहुत सारे यू नो बॉडी वॉश हैं जो कि इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एक बॉडी वॉश ऐसा मुझे लगा जो कि ऑयली स्किन को भी सुपर ड्राई करके रख सकता है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि एक्सेसिव ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप इसे यूज कीजिए, अदरवाइज ये आपकी स्किन को भी बहुत अच्छे से ड्राई करने वाला है और आपको बार बार यू नो मॉइस्चराइजर जो है अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप विंटर की बात करें चाहे आप गर्मी की बात करें, क्योंकि गर्मी में भी स्किन आपकी ड्राई होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी स्किन टाइप के पर्सन को मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। इसके अलावा गाइज, ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं ये किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी लेने के लिए, और मुझे ये वाला प्रोडक्ट जो है कुछ खास नहीं लगा। जैसे कि डव हमेशा क्लेम करते हैं कि ये स्किन के जो बॉडी का जो हमारी पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, इनके प्रोडक्ट जो है ये सोप फ्री होते हैं, तो जब मैंने इसे यूज़ किया मुझे अपनी बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि इसके अंदर सोप नहीं है। ये बहुत अच्छे से लेदर करता है, यानी अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे से झाग बना रहा है ना आपकी बॉडी पे, दैट मीन्स कि उसके अंदर सोप है। तो मुझे ये सोफ्री नहीं लगा। दूसरा, मुझे नहीं लगा कि ये पीएच लेवल भी मेंटेन करेगा, क्योंकि ये स्किन को सुपर ड्राई कर देता है। जब भी आप इसे यूज करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आपको कुछ ना कुछ यू नो मॉइस्चराइजर लगाना है अपनी बॉडी पे। तो गाइज, ये था मेरा आज का कंप्लीट रिव्यू अबाउट दिस डव डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश का। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय।